अक्सर देखा गया है सर कि जब भी पुलिस प्रशासन द्वारा डे डोमिनेशन या नाइट डोमिनेशन का कार्यक्रम रखा जाता है तो आम जन का जो है सहयोग पुलिस प्रशासन को नहीं मिलता, और इसको देखते हुए या तो भागने की कोशिश करते हैं या इस तरीके से हरकतें करते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, ये बहुत ही बड़ी प्रवृत्ति आपने बिल्कुल ठीक कही। नाइट डोमिनेशन हो या आम जो नाके लगे हुए होते हैं वो, जब भी पुलिस को रोका जाता है तो हर व्यक्ति भाग कर के जो सिग्नल पुलिस का जो इशारा है, सिग्नल है, उसको अवॉइड करने का कोशिश करता है। अब वो उसके रीज़न क्या है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी, तो वो एक छोटा अपराध है। बट आप जो पुलिस का नाका तोड़ के और जो अधिकृत अधिकारी नाके के ऊपर जो लगा हुआ है उसके आदेश को, उसके डायरेक्शन को ना मान करके आप उससे बड़ा अपराध करते हैं, जिसके बारे में आपके ऊपर अभियोग भी अंकित होता है, आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है और आपको 7 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। तो लोगों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि जो पुलिस दिनों रात अपराध को रोकने में, शांति को बनाए रखने में जो काम कर रही है, बेसिकली काम नागरिक की सेफ्टी के लिए, अपना नागरिक की भलाई के लिए काम किया जाता है। और उस अवस्था के अंदर जो कोई भी व्यक्ति है जो गाड़ी चला रहा है, वो कोशिश करता है, नाका तोड़ देता है, पुलिस वालों के ऊपर गाड़ी चलाने का प्रयास करता है, हालांकि उसकी कोई मंशा नहीं होती। और जब उसकी पूछताछ और उसकी गाड़ी की तलाशी के बाद में देखा जाता है तो उसके पास कोई ऐसी ऑब्जेक्शनेबल कोई चीज़ भी नहीं मिलती, लेकिन उनकी एक मनोवृत्ति इस तरीके की हो चुकी है और उसी मनोवृत्ति के आधार के ऊपर वो शान समझते हैं अपनी निकल के जाने में, या उनको ये आभास नहीं होता कि हम जो कर रहे हैं वो अपराध है। जब वो पकड़े जाते हैं तो उनको पता भी लगता है कि ये अपराध कर दिया हमने, सज़ा भी मिलती है और जाके उसकी प्रतिष्ठा और परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान भी पहुँचता है। तो आपके माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी आपको रुकने का इशारा किया जाए, कृपया करके आप ऑनर करें और पुलिस की जो चेकिंग है उसको भी ऑनर करें, उनकी कर्तव्य को भी समझें और अपना उनमें पूरा सहयोग दें। भागे नहीं, भागने से जो है आप कोई अपराध कर बैठेंगे और आपके साथ भी कोई बड़ा अच्छा कर सकता है। देखिए, ये बहुत ही बड़ी प्रवृत्ति आपने बिल्कुल ठीक कही। नाइट डोमिनेशन हो या आम जो नाके लगे हुए होते हैं वो, जब भी पुलिस को रोका जाता है तो हर व्यक्ति भाग कर के जो सिग्नल पुलिस का जो इशारा है, सिग्नल है, उसको अवॉइड करने का कोशिश करता है। अब वो उसके रीज़न क्या है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी, तो वो एक छोटा अपराध है। बट आप जो पुलिस का नाका तोड़ के और जो अधिकृत अधिकारी नाके के ऊपर जो लगा हुआ है उसके आदेश को, उसके डायरेक्शन को ना मान करके आप उससे बड़ा अपराध करते हैं, जिसके बारे में आपके ऊपर अभियोग भी अंकित होता है, आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है और आपको 7 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। तो लोगों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि जो पुलिस दिनों रात अपराध को रोकने में, शांति को बनाए रखने में जो काम कर रही है, बेसिकली काम नागरिक की सेफ्टी के लिए, अपना नागरिक की भलाई के लिए काम किया जाता है। और उस अवस्था के अंदर जो कोई भी व्यक्ति है जो गाड़ी चला रहा है, वो कोशिश करता है, नाका तोड़ देता है, पुलिस वालों के ऊपर गाड़ी चलाने का प्रयास करता है, हालांकि उसकी कोई मंशा नहीं होती। और जब उसकी पूछताछ और उसकी गाड़ी की तलाशी के बाद में देखा जाता है तो उसके पास कोई ऐसी ऑब्जेक्शनेबल कोई चीज़ भी नहीं मिलती, लेकिन उनकी एक मनोवृत्ति इस तरीके की हो चुकी है और उसी मनोवृत्ति के आधार के ऊपर वो शान समझते हैं अपनी निकल के जाने में, या उनको ये आभास नहीं होता कि हम जो कर रहे हैं वो अपराध है। जब वो पकड़े जाते हैं तो उनको पता भी लगता है कि ये अपराध कर दिया हमने, सज़ा भी मिलती है और जाके उसकी प्रतिष्ठा और परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान भी पहुँचता है। तो आपके माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी आपको रुकने का इशारा किया जाए, कृपया करके आप ऑनर करें और पुलिस की जो चेकिंग है उसको भी ऑनर करें, उनकी कर्तव्य को भी समझें और अपना उनमें पूरा सहयोग दें। भागे नहीं, भागने से जो है आप कोई अपराध कर बैठेंगे और आपके साथ भी कोई बड़ा अच्छा कर सकता है।